आपको पता है कि अगर आप एक मकड़े को आग में डालोगे तो वो फट जाएगा। और क्या आपने कभी ऐसे सांप के बारे में सुना है जो कि अगर इंसान को काट ले तो इंसान के छिद्र में से खून निकलने लगता है? और आप ये जानते हैं कि आप अपनी आंखों से सिर्फ तीन ही कलर को देख सकते हैं? जी हाँ, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप तीन ही कलर को देख पा रहे हो। ऐसे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो वेट किस बात का, अपनी फैक्ट्स की राइड को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अगर आप एक मकड़े को आग जलाओगे तो वो बारूद की तरह मकड़ा फट जाएगा। तो आप लोग अब अपने घर में से मकड़ियों को उठा उठाकर आग में मत डालने लगना, कहीं तुम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो कि हाँ भाई फटता है मकड़ा या नहीं फटता। और पटाखों के लिए तो बिल्कुल मत यूज करना दिवाली में, आई नो बहुत ही बेकार जोक था, इग्नोर दैट। नंबर टू, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुर्गे हैं हर 0.05 सेकंड में 97 मुर्गों को मार दिया जाता है? अगर 0.05 सेकंड में 97 मुर्गों को मार दिया जाता है तो एक सेकंड में लगभग ऑलमोस्ट 2000 मुर्गे मारे जाते हैं। 2000 मुर्गे एक सेकंड में मारे जाते हैं। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 1940 मुर्गे मारे जाते हैं। अगर ये कहीं नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो। नंबर थ्री, कभी आपने देखा ही होगा कि जो छिपकली की पूंछ होती है वो उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो आपको पता है कि उसकी पूंछ उसके शरीर से अलग क्यों जाती है? तो मैं बता दूँ कि ये अपने बचाव के लिए छिपकली ऐसा करती है, और ये बचाव के लिए इसलिए करती है क्योंकि इसे एक नेचुरल पावर मिली हुई है कि ये अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर सकती है। इसलिए वो अपने पूंछ को बचाव के लिए अलग कर लेती है, और उसकी पूंछ को रीजनरेट होने में 2 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। और आप में से आप ये कमेंट करके बताओ कि आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि ये मानते थे कि छिपकली की पूंछ जल्दी आ जाती है। नंबर फोर, आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि हॉलवे में रेस लगाते हैं? जी हाँ, हॉलवे में जो रेस लगाते हैं उन्हें कुछ ऐसे लोगों या फिर बच्चों के लिए हॉलवे में ना भागे तो उनके लिए एक परफेक्टली इल्यूजनेटिक फ्लोर तैयार किया गया है। आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि इस फ्लोर को कैसे डिज़ाइन किया गया है लोगों या फिर बच्चों के लिए कि जो कि हॉलवे में ना भागे और आराम से कछुए की रफ्तार पकड़ लें और तमीज़ के साथ निकल लें। नंबर फाइव, बूम स्लैंग। जी हाँ, बूम स्लैंग नाम का एक स्नैक है जो कि अगर काट ले इंसान को तो इंसान के छिद्र में से खून निकलने लगता है, यानी कि होल्स में से खून निकलने लगता है इंसान के। नंबर सिक्स, आपने या फिर आप में से कई लोगों ने इस स्टैचू को देखा ही होगा या फिर इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये स्टैचू रशिया में मौजूद है, जिसमें दिखा रखा है स्टैचू ऑफ अ माउस नाइटिंग डीएनए। जी हाँ, एक माउस डीएनए को बुन रहा है, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं वैसे ही एक माउस डीएनए को बुन रहा है। तो ये स्टैचू माउस के उस कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है जो कि कितने सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट इस माउस पर हमने किए हैं अपने मेडिकल साइंस और साइंस की तरक्की के लिए। और साइंस इसकी वजह से भी काफ़ी तरक्की करा है, काफ़ी सक्सेस मिली है, लेकिन यार इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि देखो यार, स्टैचू उन्होंने बना दिया लेकिन स्टैचू मुझे नहीं लगता भाई माउस के कोई काम का है, क्योंकि यार माउस को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। मतलब इसको क्या पता चलेगा यार माउस को, वो भी वैसे भी माउस कौन सी परमिशन के साथ ये टेस्ट शुरू किए गए थे, एक्सपेरिमेंट उस पर शुरू किए गए थे। तो मुझे नहीं लगता ये स्टैचू बनाने का कोई मतलब है। हमारे लिए चाहे मतलब हो लेकिन माउस के लिए कोई मतलब नहीं रखता। नंबर सेवन, अब जो ये फैक्ट है जो शायद आपको मतलब कि कई लोगों को पता ही होगा, तो आप में से सबने कंप्यूटर में फोल्डर बनाए होंगे। चलो जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फोल्डर तो आपने देखे ही होंगे कैसे बनता है या फिर जिसके बनाते हैं। तो आपको पता है कि फोल्डर में आप एक नाम का फोल्डर नहीं बना सकते, वो है कौन नाम का, यानी कि CON कौन नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते कंप्यूटर में। अब ये आप में से किन किन लोगों को पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर एट, आप इस इमेज को देखो, कितनी ऑसम फोटो है। और इसमें इफेक्ट ये है कि जो इमेज में दो साइड्स देख रहे हो आप, तो दोनों साइड चट्टानों से कवर है और बीच में एक आदमी है। तो जो आपको ये राइट साइड में दिख रहा है, जहां इस साइड नॉर्थ अमेरिका है, जी हाँ, और जो दूसरी साइड है लेफ्ट साइड वहाँ यूरोप है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर नाइन, आपको तो पता ही होगा कि कोआला होता है जो उसके फिंगरप्रिंट हम इंसानों के फिंगरप्रिंट से सिमिलर होते हैं। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो एक फैक्ट वीडियो में बता रखा है अपनी। पर क्या आपको पता है कि एक और एनिमल ऐसा है जिसके फिंगरप्रिंट हम इंसानों से सिमिलर होते हैं, यानी कि हमारी तरह उसके फिंगरप्रिंट की बनावट होती है, और वो है एनिमल हेजहॉग। जी हाँ, हेजहॉग के भी फिंगरप्रिंट हम इंसानों से सिमिलर होते हैं। नंबर टेन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिट्रोनेला होता है उससे मच्छर क्यों दूर भागते हैं? मच्छर को सिट्रोनेला क्यों नहीं पसंद आते हैं? जिनको नहीं पता है सिट्रोनेला क्या होता है, तो सिट्रोनेला एक ऑयल है जो कि सिम्पोपोगन जीनस नाम के प्लांट की अलग अलग स्पीसीज प्लांट के लीव्स और स्टेम से बनते हैं, उससे तैयार किए जाते हैं। और अगर आप सिम्पोपोगन नाम से इस प्लांट को नहीं जानते हो तो आपने लेमन ग्रास के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर ये भी नहीं सुना तो फिर आप बारबर्ड वायर ग्रास
या फिर सिल्की हेड्स, कोचिन ग्रास, मालवर ग्रास, ऑयली हेड्स या फिर फीवर ग्राफ से तो जानते ही होगे। तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू। ओके, तो मच्छर इज सिंड्रेल। सिंड्रेल? अबे सॉरी, सिट्रोनेला से मच्छर के पैरों पर तकलीफ क्यों होती है? जी हाँ, मच्छर के पैरों में सिट्रोनेला की वजह से इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से सिट्रोनेला के करीब नहीं आ पाते हैं मच्छर। और यही वजह है कि सिट्रोनेला ऑयल एंटी मस्कीटो ज़ुरिस्ट ब्रेसलेट में भी पाया जाता है। नंबर 11, क्या आपने कभी ये सुना है या फिर आपने कभी ये पढ़ा है कि रेड ब्लड सेल कितने टाइम तक जिंदा रहता है? तो इसका आंसर है 120 डेज। एक एवरेज रेड ब्लड सेल 128 दिन तक जिंदा रह सकता है। नंबर 12, अगर मैं कहूँ कि आपको अपनी आंखों से कितने कलर दिखाई देते हैं तो आप क्या कहोगे? आप जवाब दोगे कि मुझे जितने भी कलर हैं उतने दिखाई देते हैं, और जितने दिख सकते हैं मेरे को, मतलब कि जितने मेरे को दिखते हैं उतने मेरे को दिखाई देते हैं। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कितने टाइप के अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, कितने ग्रेड के कलर दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, अब ये कैसा सवाल है, अब कितने सारे कलर होते हैं, अब मैं कितने कितने को बताऊं? तो अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ तीन ही कलर को देख सकते हैं, जी हाँ, अपनी आंखों से सिर्फ तीन ही कलर को देख सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? जी हाँ, आप अभी तीन ही कलर को देख रहे हो आप इस वीडियो को देखते हुए, और वो तीन कलर हैं रेड, ब्लू और येलो। आप ये तीन कलर को देख रहे हो और इन्हीं तीन कलर से आपको बाकी के कलर दिखाई देते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। तो आपको ये फैक्ट कैसे लगे और आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पहले से पता थे, प्लीज़ कमेंट में बताना यार। आप बताते नहीं हो, ये बताना कि भाई कितने फैक्ट आपको पता था, कि मुझे भी पता चले कि भाई हाँ लोगों को कितनी जानकारी है, तो मैं उसी हिसाब से फैक्ट लाऊं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फुल ऑफ नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे। और आप सीखते रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए। जय हिंद।